वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आप देख रहे हैं सब्लिमेशन से रिलेटेड एक और नई वीडियो। तो गाइस आज ये हमारी वीडियो होने वाली है, हम कॉटन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे लाइट कॉटन ट्रांसफर पेपर की हेल्प से। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास में लाइट कॉटन ट्रांसफर पेपर जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसफर करेंगे आज। और ये मैंने लगाया हुआ है नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर में, एप्सन का 130 प्रिंटर मेरे पास में, नॉर्मल इंक मैंने इसके अंदर डाली हुई है जो एप्सन के प्रिंटर के साथ में आती है। तो गाइज ये मेरे पास में इमेज है, मैं एक बार इसकी प्रिंट कमांड दे देता हूँ। और एक बार प्रिंट कमांड देने के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ, L130 सीरीज है ये, और मैंने इसे यहाँ से हटाया और एक बार प्रिंट कमांड देता हूँ, फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये दे दी हमने प्रिंट आउट के लिए कमांड और ये प्रिंट निकल रहा है अभी लाइट पेपर के ऊपर। और प्रिंट को जो हमने कमांड दी मिरर करके हमने कमांड दी हुई है, तो एक बार प्रिंट निकल जाने दो, मैं फिर एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है, क्या टेम्परेचर टाइमिंग ट्रांसफर करिए इतने। चलो प्रिंट आउट निकल रहा है, तो मशीन का हम लोग टेम्परेचर टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या हमें सेट करना है। 318 317 से अभी करंट टेम्परेचर है, हम जो टेम्परेचर इसका सेट करेंगे वो 355 10 सेकंड्स के लिए हम लोग इसे सेट करेंगे। तो मोड का बटन फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं, ये 355 लिखा रहा है मिनिमम टेम्परेचर, बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड टाइम फिर हमने मोड को प्रेस करा, मैक्सिमम टेम्परेचर भी 355 है, ठीक है। मोड का बटन थर्ड टाइम प्रेस करा, यार ये इसकी टाइमिंग इसमें 25 सेकंड्स लिखी हुई है, हम इसकी 15 सेकंड्स कम कर देंगे, 10 सेकंड्स हमें रखना है। तो हम इसे हमने कर दिया 10 सेकंड्स, और मोड का बटन फिर से प्रेस करा हम लोगों ने, और यह आ गया इसका करंट टेम्परेचर 321 355 पहुंचने का। हम लोग इसका वेट करेंगे, इतने हमारा प्रिंट आउट भी निकल जाएगा और बाकी चीजें जो मुझे आपको बतानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इतने प्रिंटआउट निकलता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रिंटआउट भी हमारा रेडी हो गया, प्रिंटआउट हम लोगों ने निकाल लिया, मिरर करके हम लोगों ने प्रिंटआउट निकाला। मशीन भी हमारी लगभग लगभग टेम्परेचर पर पहुंच चुकी है, मशीन अब बीप करना चालू कर देगी। देखो तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। हम लोग जितना मैक्सिमम हो पाएगा ना उतना डिटेल कटिंग इसका करेंगे। डिटेल कटिंग करने का बस ये है कि जो टी शर्ट के ऊपर है या आपका जो कॉटन फैब्रिक है उसके ऊपर जो आपका रेस्ट पार्ट जो होगा वो कम से कम ही आएगा। और ये हमने करा इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के भी बता दूंगा अगर मैं हम क्या नाम है डिटेल कटिंग नहीं कर पाते तो क्या रिजल्ट आएगा। मैं तीन तरफ से आपका डिटेल कटिंग कर लेता हूं और फोर्थ जगह से चौथी जगह से आपका डिटेल कटिंग मैं नहीं करूंगा। ये इस तरीके से है, सिर्फ इसकी जो लाइन है मैं लाइन तक काट देता हूँ, बाकी जो व्हाइट वाला स्पेस है थोड़ा सा आने देते हैं ताकि एक बार आप लोगों को भी आइडिया हो जाए अगर हम डिटेल कटिंग नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट उसका होने वाला है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है ट्रांसफर, और मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया हम लोगों ने और कटिंग भी कर लिया है, और ये हम रख रहे हैं इसके ऊपर मशीन के ऊपर और सिर्फ 10 सेकंड्स का हम लोग वेट करेंगे। हमने रखा इस तरीके से, आप टेफ्लॉन शीट का भी यूज करेंगे, टेफ्लॉन शीट रिप्रेजेंट मैं यूज नहीं कर रहा हूं, बट आप टेफ्लॉन शीट का यूज करेंगे। आपने मशीन को मूव करा, मशीन को प्रेस करा और लास्ट वाला बटन आपने प्रेस कर दिया, 10 सेकंड्स काउंटडाउन हमने इसके अंदर सेट किया हुआ है। जैसे ही 10 सेकंड्स होंगे हम इसे मशीन के अंदर से निकाल लेंगे, और ये हो गया 10 सेकंड्स कंप्लीट। लास्ट वाला बटन प्रेस करा और हम अपना इसे निकाल लेंगे। अभी आपको तुरंत इसे पील ऑफ नहीं करना है, हल्का सा ठंडा इसे होने देना है। हल्का सा ठंडा होने का बस ये है कि इसके अंदर से हवा थोड़ी सी निकल जाए, जो गर्म मॉइस्चर इसके अंदर बना हुआ है हीटिंग की वजह से वो थोड़ा सा एक बार निकल जाए, फिर हम इसे लेयर को पील ऑफ करेंगे। और ये लगभग थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो ये हो गया हमारा ठंडा। तो मैं इसे अब करता हूँ एक बार पील ऑफ, तो कोई भी कॉर्नर से पकड़ के आप इसे पील ऑफ कर लेंगे। ये हमने लेयर को निकाल लिया इस तरीके से, ये आपका हो गया ट्रांसफर। तो ये था हमारा लाइट पेपर का ट्रांसफर, आपको किस तरीके से करना है। अच्छा मैं आपको बता रहा था अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल मतलब डिटेल कटिंग नहीं कर पाते तो क्या रिजल्ट होने वाला है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे साइड में एक इधर एक हल्की सी लेयर बन रही है, अगर आप कैमरे में नोटिस कर पाएंगे, जैसे ये ब्लैक कलर का जो साइन आ रहा है, ये लाइन जो आ रही है लाइन थी बेसिकली, हमने ये पार्ट शायद नहीं कटवा तो इसलिए विजिबल हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा लाइन थी जो हमें डिटेल कटिंग नहीं करने की वजह से ये आ गई, अगर हम डिटेल कटिंग करते तो शायद ये नहीं आती, लेकिन इतना विजिबिलिटी नहीं आ रही है लाइट कलर के अंदर कि आपको डिटेल कटिंग करने की जरूरत पड़े। तो ये हो गया हमारा लाइट पेपर का ट्रांसफर। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही था कि लाइट पेपर को लेकर के आपको किस तरीके से ट्रांसफर करना है, मिरर आपको इमेज निकालनी है, टेम्परेचर टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। अगर मशीन आपकी ये वाली है कॉम्बो मशीन है, जो मशीन आपकी फेरनाइट में काम करती है, तो 355 पर 10 सेकंड्स आप इसे देंगे, और अगर आपकी मशीन सेल्सियस में काम करती है तो वहां पर आप 190 के ऊपर 10 सेकंड्स के लिए आप उसे जो है हीट करोगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। नमस्कार, शुक्रिया।